सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के फॉर्म निकले हुए हैं एंड एज वी नो कि इस बार इसे SSC कंडक्ट करवा रहे हैं। SSC इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के फॉर्म आपने फिल किए हुए हैं और आप सोच चुके हैं कि इस बार आपको ये जॉब चाहिए ही चाहिए और आप मेहनत भी करना चाहते हैं उस लेवल पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आई होप आपको ये चीज़ें जो मैं इसमें समझाऊंगी वो आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के बारे में कि है क्या चीज़ है इसमें, एग्जाम का सिलेबस जो पैटर्न है वो क्या है, सिलेबस क्या है, किस टाइप से पेपर आपका आने वाला है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। नाउ अब SSC की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि SSC में क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा हो ना हो, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम होता है और उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं तो हमारा पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाता है और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी है तो हमें बहुत सोच समझ के पेपर करना पड़ता है। तो इसलिए SSC इज ऑल अबाउट टाइम एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पैटर्न समझ के जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर आप मन बना ही चुके हैं कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ये एग्जीक्यूटिव वाला जो फॉर्म अभी निकला हुआ है इसमें जॉब चाहिए ही चाहिए, तो आज से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए और लग जाइए इस प्रिपरेशन में कि 2020 में और कुछ अच्छा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, बट ये जॉब आपको मिल जाए। अब अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की हम बात करें तो ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये फॉर्म्स निकले हुए हैं आपके। 1 अगस्त से इनकी स्टार्ट हुई थी एंड 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, पर ड्यू टू COVID-19 अगर ये डेट एक्सटेंड हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब इसमें देखिए, जब मेल और फीमेल एग्जाम पैटर्न है आपका, इसमें आपके ये टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड फोर्थ वन इज कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर्स में मीन्स कि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस। अब ये जो आपका पेपर आने वाला है 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 100 मार्क्स 1 मार्क फॉर ईच एंड 100 मार्क्स का ही पेपर है, 100 क्वेश्चंस ही आपके आने वाले हैं। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज रीजनिंग, सेकेंड जर्नल नॉलेज, थर्ड वन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड फोर्थ वन इज कंप्यूटर। इसमें से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो पार्ट है या जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं तो वो सबसे ज्यादा वेटेज है आपके 50 मार्क्स की, जिसमें करंट जर्नल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आते हैं। मेरी वीडियोस में अभी जो आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें हम 1 by 1 जर्नल नॉलेज वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने जर्नल साइंस से करी है और इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब देखिए, अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो आज से भी अगर आप स्टडी स्टार्ट करेंगे तो आपके एग्जाम तक आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। SSC हो या फिर दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है या फिर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका टाइम होता है। अगर आप स्टडी करते हैं, चाहे आप 15 मिनट्स करते हैं एक दिन में या फिर 20 मिनट्स या 1 आवर या 2 आवर्स, मीन्स जिसकी जितनी कैपेबिलिटी, जितना भी कोई पढ़ सकता है, बैठ सकता है एक जगह, वो उसके ऊपर है। बट इसमें मेन चीज जो होती है वो ये है कि आप कॉन्टिन्यूशन में करें। अगर आप 15 मिनट्स पढ़ते हैं तो उसको डेली करिए, 1 आवर करते हैं तो आप डेली करिए। जब तक आप कॉन्टिन्यूशन में और टाइम मैनेजमेंट के साथ स्टडी नहीं करेंगे आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। नाउ अब इस पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन 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 टाइम देखिए 1 hour 30 minutes मिलेगा। 1 hour 30 minutes इट मीन्स 90 minutes, टाइम बहुत कम है। 1 मिनट भी 1 question के लिए नहीं है आपके पास, 100 questions in 90 minutes। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे और ऊपर से इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है।
बट प्रैक्टिस से आपको ये सारी चीजें ओवरकम कर जाएंगे। आप जितना ज्यादा से ज्यादा आपका इन चार में से जो पोर्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उसमें आपका टाइम उतना ही कम लगेगा और वो जो टाइम आप कंज्यूम करेंगे वो आप नेक्स्ट टॉपिक पे दे सकते हैं। सो अब इसमें जो हमारे दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म निकले हुए हैं इसमें वैकेंसी 5,846 निकली है। एज आई टोल्ड यू इसमें 7 सितंबर लास्ट डेट है, तो जिस जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है आप कर दीजिए। कोविड की वजह से डेट एक्सटेंड हो जाए तो वो आपका अलग हो सकता है, बट 7 सितंबर तक आप इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए और इसके एग्जाम की प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। नाउ अब हम इस में आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपको जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में से जो कि 50 मार्क्स की वेटेज है उसमें से आप सबसे पहले हम लोग जनरल साइंस को स्टार्ट करेंगे और आपको डेली के अगर आप मुझसे जुड़ के ये तैयारी स्टार्ट करेंगे, इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो मैं डेली के आपके लिए 10-15 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो आपके एग्जाम टाइम नवंबर में इसके एग्जाम की डेट अभी तक बोली गई है तब तक के लिए आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी कि उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांस होता ही नहीं है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस। अब देखिए जनरल साइंस की हम बात करें तो मीन्स की बहुत ही नॉर्मल लेवल पे साइंस आपसे पूछी जाएगी और ज्यादातर एग्जाम्स में यही होता है कि 10th लेवल तक की जो साइंस हम पढ़ते हैं वही आपके क्वेश्चंस आते हैं। बट जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हमने 10th तक की बुक्स में इतना कुछ पढ़ा होगा और ये सब क्वेश्चंस देखे भी होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमें बहुत ज्यादा टफ लगने लग जाते हैं। वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हम एनसीईआरटी हो या फिर कोई भी बुक हो उसमें लाइन टू लाइन नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ते हैं। जो हमारा सीबीएसई में बोर्ड्स में जितने हमें आंसर्स लिखने होते हैं लॉन्ग आंसर्स में थोड़ी बहुत अपनी लैंग्वेज थोड़ा बहुत बुक का छाप के आ जाते हैं, तो इस वजह से हमें लगता है कि नहीं ये लेवल बहुत ज्यादा, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, पूछा उतने से ही जाता है और ये बहुत ही ईजी होता है। अगर हम डेली क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। नाउ ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। 2017 का ये पेपर है, 6 दिसंबर को ये पेपर हुआ था। इसमें साइंस के आपके टोटल 9 क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्केल यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन को लिखा हुआ है, आपके लिए जो सूटेबल हो आप उसे पढ़ के इसको समझ सकते हैं। और जितना कुछ भी हम पढ़ेंगे इन सब के नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा डिवाइस है या फिर वो क्या कौन सा स्केल है जिसको भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है या फिर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापने के लिए मेजरिंग डिवाइस के रूप में उसको यूज करते हैं। इसका आंसर है रिक्टर स्केल, हिंदी में इसको रिक्टर पैमाना कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। किसकी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है विशिष्ट ऊष्मा, इनमें से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मींस कि एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स दे रखे हैं उनमें से एक को टिक करना होता है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के 4 पार्ट्स नहीं दे रखे हैं जिसके इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट जिसमें आपको चीजें एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी होगी उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और उन चारों को भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा मीन्स की स्पेसिफिक हीट होती क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस यूजुअली डिनोटेड बाय द सी, इसको सी से हम डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम हीट दैट इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस बाय पर्टिकुलर अमाउंट। इट मीन्स कि आपके पास टोटल जो अमाउंट दे रखा है उसके बिहाफ पे उसके प्रेफरेंस में पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हमें हीट की नीड होती है, हीट मीन्स कि ऊष्मा, जिस ऊष्मा की हमें आवश्यकता होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। किसी भी ऐसी पर्टिकुलर टर्म में फिजिक्स की आपको दो चीजें मेनली पता होनी चाहिए, एक उसका सिंबल जिससे उसको डिनोट करते हैं और एक उसकी एसआई यूनिट। सिंबल की बात करें तो स्पेसिफिक हीट, अब स्पेसिफिक हीट में सिंबल इसका सी होता है एंड एसआई यूनिट जूल पर केल्विन एंड केजी, इस तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं जूल्स, जे फॉर जूल्स, के फॉर केल्विन एंड केजी फॉर किलोग्राम्स। अब इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास अल्कोहल, मीथेन, पानी एंड केरोसिन। अल्कोहल, मीथेन, वाटर एंड केरोसिन। अल्कोहल अल्कोहल होता है, मीथेन मीथेन, केरोसिन मीन्स मिट्टी का तेल एंड वाटर। अब इनमें से किसकी स्पेसिफिक हीट
की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है, तो उसका आंसर है वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट वेन आर्टिफिशियल सेटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्क्यूलर ऑर्बिट. सर्क्यूलर ऑर्बिट या फिर सर्क्यूलर ऑर्बिट या फिर वृत्ताकार का मतलब होता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पर आ जाना. एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार में घूमती है, वह कौन सा मात्रक निहित करता है. कृत्रिम उपग्रह या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब होता है कि जो मैनमेड होती है, जो इसरो या फिर नासा में जो हमारे साइंटिस्ट है वो बना के और सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं. तो एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार में घूमती है तो कौन सा मात्रक नियत करता है. अब इसका आंसर है एंगुलर मोमेंटम. हिंदी में इसे कोणीय गति कहते हैं. एंगुलर मोमेंटम को एल से शो करते हैं और मैंने अभी आपको बताया कि आपको यूनिट एंड उसका सिंबल पता ही होना चाहिए. तो एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं. एसआई यूनिट की बात करें तो केजी मीटर सेकंड मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है. केजी मीटर स्क्वायर ये सेकंड, एस फॉर सेकंड. और डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है विमीय सूत्र. ये भी वन मार्क में आ जाता है. बहुत बार एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किसी चीज की डायमेंशन आपसे पूछी जाती है, मीन्स कि उसका विमीय सूत्र आपसे पूछा जा सकता है. तो एंगुलर मोमेंटम मीन्स कि कोणीय गति का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस वन. अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. द क्वांटिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी विच इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी. अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. बाकी चीजें तो फिर भी समझ आ गई, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है. इनर्शिया की बात करें तो मीन्स लैक ऑफ एनर्जी, मीन्स की एनर्जी की कमी होना या फिर कोई चीज मूव ना कर पाए या फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज ना कर पाए. मीन्स कि कोई चीज अपनी जगह को जहां पे वो है उस प्लेस से दूसरी प्लेस पे अपने आप ना जा पाए, उसे इनर्शिया कहते हैं. और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि कोई भी बॉडी का पार्ट है वो सेंटर से कितना ज्यादा दूर है या फिर बॉडी का जो मास है वो सेंटर से कितना ज्यादा दूर है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है एंगुलर मोमेंटम. नेक्स्ट वन इज फोर्थ, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया या फिर जरा दूर दृष्टि दोष इसको हिंदी में कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं. तो सबसे पहले आपको प्रेस बायोपिया पता होना चाहिए. प्रेस बायोपिया इट मीन्स जरा दूर दृष्टि दोष. ये हमारी आंख का एक दोष होता है, आई में जब कोई डिफेक्ट आता है. अब किस सिचुएशन में प्रेस बायोपिया होगा वो देखिए. द लॉस ऑफ आई एबिलिटी टू चेंज फोकस टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स कैरिंग टिपिकली इन मेडिकल मिडल एंड ओल्ड एज. अब जब कभी भी आपको अपने पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम होने लग जाती है तो उस डिफेक्ट को या जब उस वो आंख में जो कमी आती है उसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं. हिंदी में इसे जरा दूर दृष्टि कहते हैं. और ये कब होता है, मिडल एज या फिर ओल्ड एज में ये होता है. अब इसकी करेक्शन के लिए जो लेंस का हम यूज करते हैं वो बायफोकल लेंस यूज करते हैं. बायफोकल लेंस में दो लेंस यूज होते हैं. अब आपने बहुत बार ऐसे यूजुअली ओल्ड एज में ही हमें देखने को मिलता है. आपने स्पेक्स मींस की चश्मा देखा होगा कि जिसमें दो लेंसेज लगे होते हैं. नीचे वाला जो पार्ट है हाफ मून मतलब आधा कटा हुआ चांद जैसी शेप बनी हुई होती है, वो पार्ट नीचे की पास की चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है. और जो अपर पार्ट होता है जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको दूर की चीजें देखने के लिए यूज किया जाता है. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है प्रेस बायोपिया जरा दूर दृष्टि होती है तो उस टाइम पे कौन से लेंस का हम यूज करते हैं, तो आंसर है बायफोकल, जिसमें दो लेंसेज होते हैं. अगर ये पूछा जाए किस एज में ये बीमारी होती है तो ये ओल्ड एज में ज्यादातर होती है या फिर मिडल एज में. और इस बीमारी में क्या होता है, इस प्रॉब्लम जब किसी के आई में प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे उसको पास के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं. आई के डिफेक्ट के आपके पास तीन क्वेश्चंस होते हैं, तीन टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं आई के. प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया, ये तीनों पे आपका क्वेश्चन आता ही आता है. अभी हमने एक क्वेश्चन किया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको वो दो क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा. कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है.
तो आंसर है एल्बुमिन। एल्बुमिन एक ब्लड प्रोटीन है। इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है ये, लेकिन इसके आपके दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोई भी एक आपको ब्लड प्रोटीन का नाम लिखना है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है एल्बुमिन। एक क्वेश्चन ये बन गया। सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे ही रखा है कि कौन सा प्रोटीन है, कौन सा ब्लड प्रोटीन है या रक्त प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो उसका आंसर एल्बुमिन। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो एल्बुमिन है वो वाटर सोलेबल प्रोटीन है या नहीं है। वाटर सोलेबल का मतलब कि कोई चीज जो पानी में घुल जाती है, तो एल्बुमिन वाटर सोलेबल भी है और फैट सोलेबल भी है। फैट सोलेबल का मतलब होता है जो वसा में घुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके दो से तीन क्वेश्चंस बन गए, तो आप इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा। और जब आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज अपना पेन एंड पेपर लेके बैठिए, ताकि मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊं या कुछ पॉइंट्स बताऊं वो आप इसमें लिख सकें। बाकी जितना मैंने इसमें लिखा हुआ है ये सब आपको पीडीएफ की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए, कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल जब आप पीरियोडिक टेबल करवाऊंगी मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा कि इनके एलिमेंट्स के सिंबल भी होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल क्या होगा, कार्बन के लिए हम सी यूज करते हैं, नेक्स्ट हाइड्रोजन के लिए एच। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं और इनके सिंबल्स हैं, तो ये हम करेंगे आगे। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है वाटर गैस, हिंदी में कहते हैं इसे जल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द गैस विच इज यूज इन बैलून्स इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जगह पे या हाइड्रोजन के स्थान पर बैलून्स गुब्बारों में भरने के लिए और कौन सी गैस का हम यूज करते हैं, तो उसका आंसर है हीलियम गैस। हीलियम बहुत ही हल्की गैस होती है, लाइट वेट होती है। आपने देखा होगा बहुत बार बैलून्स आप ऐसे बॉक्स खोले या फिर बैलून्स को हम नीचे छोड़े तो वो अपने आप ही ऊपर हवा में उड़ते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हीलियम बहुत ही ज्यादा हल्की गैस होती है। हीलियम के लिए देखिए, हीलियम का सिंबल क्या है, एच ई, एटॉमिक नंबर यानी कि मास, जो इसका इसकी परमाणु संख्या है वो दो है। इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये भी आपके पूछे जा सकते हैं, तो इन सब को प्लीज नोट करके रखिएगा। हीलियम के अगर सिंबल की बात करें तो एच ई होता है, एटॉमिक नंबर टू। नाउ अब हीलियम के बारे में थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या है, ये कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। कलरलेस मीन्स इसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होती है। ऑर्डरलेस मीन्स इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, कोई गंध नहीं होती है। टेस्टलेस, ना इसका कोई टेस्ट होता है। नॉन टॉक्सिक इनर्ट मोनो एटॉमिक गैस होती है, मीन्स की सिंगल एटम वाली गैस होती है, सिंगल परमाणु वाली गैस होती है। और जब हम नोबल गैस की बात करते हैं, जो आपके ग्रुप 18 में जो लास्ट में गैसेस होती हैं, उनमें जो नोबल गैसेस हैं उनमें सबसे ऊपर जो आती है, फर्स्ट वाली जो गैस होती है वो आपकी हीलियम गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोबार इज प्रोड्यूस्ड बाय द एमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके उत्सर्जन से समभारिक का मिश्रण, समभारिक का निर्माण होता है। समभारिक का निर्माण किसके उत्सर्जन से होता है, तो आंसर है गामा रेस। अब आइसोबार क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर मीन्स की परमाणु संख्या अलग होती है और जो मास नंबर है, द्रव्यमान है, वो उनका सेम होता है। गामा रेज यूज इन मेडिसिन। गामा रेज का यूज कहाँ क्या किया जाता है, मेडिसिन मीन्स जहाँ पे दवाइयाँ होती हैं, फार्मेसी में, इंडस्ट्रीज में या फिर न्यूक्लियर इंडस्ट्री में गामा रेज का हम यूज करते हैं। तो यहाँ से भी आपके दो से तीन क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट वन इज नाइन्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेम द डिजीज ऑफ अ प्लांट इन विच लार्ज येलो सपोर्ट अपीयर्स ऑन द लीव्स। प्लांट में या पौधे में ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिसकी वजह से उसके पत्तों पर बड़े बड़े पीले धब्बे हो जाते हैं, उसका आंसर है बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट का मतलब होता है जीवाणु अंगमारी, हिंदी में इसको जीवाणु अंगमारी कहते हैं। इस डिजीज में या इस बीमारी में पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े पीले स्पॉट्स आ जाते हैं, और एक थोड़े टाइम के बाद में, जब बहुत थोड़ा टाइम हो जाता है इस बीमारी को, तो उसके बाद में वो पत्ते ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए।
आगे हम और ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए, और इससे आपकी डेली अगर आप एक एक वीडियो भी सुनते हैं तो आपके एग्जाम तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके पास बहुत अच्छा एक अमाउंट हो जाएगा, बल्क में क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके पढ़ने के लिए। और डेली डेली अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। और आज से लग जाइए अपनी तैयारी में दिल्ली पुलिस के एग्जाम की, चांस बहुत अच्छा है, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, इस चांस को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।